नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले से ही चरम पर था। इसी बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को लेकर इतनी भारी गलती कर दी कि जिसके लिए उसे ट्विटर पर ही भारतीय यूजर्स ने जबरदस्त लताड़ तो लगाई ही, साथ ही मोदी सरकार ने भी जबरदस्त फटकार लगाई है और ये चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ नितिन गोखले रविवार को लेह गए हुए थे। उन्होंने वहां के चर्चित वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम से दोपहर 12 बजे के करीब एक लाइव किया था। लाइव के दौरान ही जब उन्होंने लोकेशन देखा तो हैरान रह गए। नितिन गोखले थे तो लेह में, लेकिन ट्विटर उनकी लोकेशन चीन बता रहा था। इस बात की जानकारी ट्विटर पर देते हुए नितिन गोखले ने ट्वीट किया, मैंने अभी हॉल ऑफ फेम से लाइव किया है। हॉल ऑफ फेम को लोकेशन बनाया तो ट्विटर बता रहा है कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। क्या तुम लोग पगला गए हो? उन्होंने इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। नितिन गोखले ने इसकी शिकायत सरकार से करते हुए एक और ट्वीट में लिखा, ट्विटर यूजर्स, आप लाइव के लिए हॉल ऑफ फेम लेह लोकेशन सिलेक्ट करिए और देखिए क्या हो रहा है। ये जगह जम्मू कश्मीर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बता रहा है, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नितिन गोखले की इस शिकायत को केंद्र सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने संबंधित विभाग को भेज दिया, जिसके बाद सरकार भी एक्शन में आ गई। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को लताड़ लगाते हुए कहा कि ऐसी कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहनी ने लिखा कि ट्विटर देश की संप्रभुता और अखंडता का अपमान करने वाली कोई हरकत ना करे। ऐसी हरकतों से न सिर्फ ट्विटर की साख गिरती है बल्कि उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। साहनी ने डॉर्सी को याद दिलाया कि लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है, जम्मू कश्मीर भी भारत का आंतरिक अंग है, इसमें भी कोई शक नहीं है, वहां पर भारतीय संविधान लागू होता है। ऐसे में ट्विटर भारतीय नागरिकों की भावनाओं का ध्यान रखे। साहनी ने साफ किया कि मानचित्रों से भी देश की संप्रभुता और अखंडता प्रदर्शित होती है, उसका अपमान करने की ट्विटर की कोई कोशिश बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और गैर कानूनी है। भारतीय यूजर्स के कड़े विरोध के बाद जब विवाद बढ़ गया तो ट्विटर ने एक बयान में कहा कि मामला उनकी जानकारी में है और परेशानी दूर कर ली गई है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, हमें इस तकनीकी खामी के बारे में रविवार को पता चला और हम इसकी संवेदनशीलता समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। टीमों ने तेजी से जांच कर जियो टैग के मसले को सुलझा दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि भारत के किसी हिस्से को चीन का बता दिया गया हो। इससे पहले चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी ने भी यही गलती की थी। उसके वीदर ऐप पर तो भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश ही नहीं दिखाई दे रहा था। इस राज्य के कई हिस्से वीदर ऐप से गायब बताए जा रहे थे। हालांकि शिकायत के बाद शाओमी ने इसे तकनीकी खामी बताते हुए दूर कर लिया था। इस ऐप को बता दे, चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है, वो इस राज्य को भारत का हिस्सा नहीं मानता है।